Welcome back to Study Point. This is Punima Tyagi here, and today I'm going to explain you the first chapter of your book Golden Rays, the book that saved the earth. Student, before starting the chapter, I want to sum up you the summary of the chapter because it will be good for you to better understand. तो स्टूडेंट मैं स्टार्ट करती हूँ. द बुक दैट सेव द अर्थ एक छोटा सा ड्रामा है जो कि अपने इमेजिनरी वर्ल्ड द्वारा लोगों का मनोरंजन तथा शिक्षण करता है. और इस ड्रामे में 21st सेंचुरी को मिडिल 25th सेंचुरी मानकर उसकी इमेजिनरी घटनाओं का जो है अभिनय किया गया या परफॉर्मेंस दी गई है. यहाँ पर हिस्टोरियन एक कैरेक्टर है जो कि दिखाती है कि मार्स प्लेनेट का एक क्रू अर्थ पर अटैक करने के लिए मिशन पर निकलता है. और इस स्पेसशिप के जो सदस्य हैं वो फॉर्चुनेटली क्या होता है, एक लाइब्रेरी में आ जाते हैं जिसको वे वस्तुएं कलेक्ट करने का एक खजाना समझ बैठते हैं तथा बुक्स को बाय मिस्टेक वो सैंडविच समझ बैठते हैं. और जो नर्सरी की किताबें हैं जो कि एक राइम बुक है स्पेशली ओनली, उनको पढ़ते हैं और उन बुक को पढ़कर वो लोग ये आइडिया लगाते हैं कि अर्थलिंग्स जो हैं वो बैकवर्ड नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट पीपल हैं और बहुत ज्यादा उन लोगों से भी ज्यादा एडवांस हैं और मार्स के पीपल को हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं इसके साथ साथ वो लोग. और इसके बाद वो क्या सोचते हैं जो स्पेस क्रू के मेंबर होते हैं कि भाई यहाँ पर तो रहना ठीक नहीं होगा, इन लोगों को अटैक करना, हम यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है. वो जहां वहां से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं अटैक करने से और उसके बाद थिंक टैंक को इन्फॉर्म करते हैं. जब थिंक टैंक को इस सब के बारे में पता चलता है कि जो पीपल अर्थ पर रहने वाले हैं वो कोई प्रिमिटिव पीपल नहीं है बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले लोग हैं तो थिंक टैंक भी डर जाता है. अब थिंक टैंक को खुद में अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगता है तो वो वहां मार्स से कोई ऐसा सुरक्षित ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी सुरक्षित जगह तलाशने की कोशिश करता है कि जहां पर वो वहां अर्थलिंग से बच सके, तो वो वहां शिफ्ट हो जाता है. Friends, why was the 20th century called the era of the book? Who tried to invade the earth in the 21st century? अब इन क्वेश्चन के आंसर आप इसकी पूरे पार्ट की रीडिंग करके जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द टाइम. क्या टाइम था वो? 25th सेंचुरी का टाइम था. प्लेस कौन सा था? द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ. तो पर्दा उठने से पहले स्पॉटलाइट शाइन करती है किसकी तरफ? हिस्टोरियन को चमकाती है, हिस्टोरियन को दिखाती है. हु इज सिटिंग एट द टेबल डाउन, जो वहां पर टेबल पर बैठी हुई है राइट साइड, ऑन विच अ मूवी प्रोजेक्टर, जिसके पास में एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है. साइन ऑन एन इजल बिसाइड हर रीड म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री. और उसके पास में ही एक साइन बोर्ड रखा हुआ है जिस पर की वह पढ़ती है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. और उसके बाद वो वहां खड़ी होती है, ऑडियंस के सामने झुकती है. गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी. The 20th century was often called the era of the books. Those days there were books about everything, from anteaters to jewelers. Books taught people how to and when to and where to and why to. They illustrated, educated, punctuated and even decorated. But the strangest thing a book ever did was to save the earth. You have not heard about the Martian invasion of 2040. Just what do they teach children nowadays? Well, you know the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book, you ask? A novel encyclopedia? A tome about rockets and missiles? A secret file from outer space? No, it was none of those. It was. But here let me turn on the history scope and show you what happened many centuries ago in 2040. गुड आफ्टरनून. एंशियंट हिस्ट्री के हमारे म्यूजियम और 20th सेंचुरी और उससे पहले की अच्छी व क्यूरियोसिटी से भरी हुई चीजों के बारे में जानने वाले मेरे डिपार्टमेंट में आपका वेलकम है. 20th सेंचुरी को ऑफन एरा ऑफ बुक कहा जाता है. उन दिनों ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट पर बुक अवेलेबल थी. चीटियों को खाने वाले एनिमल्स से लेकर जुलस नामक अफ्रीकी ट्राइबल जाति तक के ये बुक्स लोगों को सिखाती थी कि
किसी काम को कैसे और कब और कहां और क्यों किया जाए। बुक्स एग्जाम्पल देकर समझाती थी, एजुकेटेड करने का काम करती थी, लोगों को डिसिप्लिन्ड बनाती थी और यहाँ तक कि उनको डेकोरेट भी करती थी। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात जो किसी बुक ने किया वो बुक थी जिसने अर्थ को सेव करने का काम किया। आपने मार्जिन इन्वेजन ऑफ 2040 के बारे में नहीं सुना होगा। आजकल वे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? खैर, आपको पता है वह इन्वेजन एक्चुअल में कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि एक बुक ने उसे रोक दिया था। अब आप पूछेंगे वो बुक कौन सी थी? एक नोवल एनसाइक्लोपीडिया और एक बड़ी बुक थी जिसमें रैकेट्स और मिसाइल्स के बारे में था, या आउटर स्पेस की कोई सीक्रेट फाइल थी उसमें? नहीं, वह इनमें से कोई भी नहीं थी। यह थी, लेकिन पहले मैं हिस्ट्री स्कोप स्टार्ट करके आपको 2040 की तरफ लेकर जाऊंगी। और यह कहते हुए हिस्टोरियन अपना प्रोजेक्टर ऑन करती है और उसके बाद वहां से लाइट थिंक टैंक के ऊपर पड़ती है, जहां थिंक टैंक नूडल के साथ खड़ा हुआ होता है। स्टूडेंट्स, ये सीन मार्स स्पेस कंट्रोल से है। यहां पर नूडल थिंक टैंक से परमिशन लेकर अंदर आता है और उससे अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। नूडल, बॉविंग ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर। नूडल थिंक टैंक के पास पहुंचता है और उसको सामने से झुकाते बोलता है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आप बहुत पावरफुल सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं कंप्लीट यूनिवर्स के अंदर, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? अब थिंक टैंक बोलते हैं पावेशली, थोड़े से गुस्से में, नाराजगी जताते हुए, यू लॉक्ड आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटाइज। ओ नो सीखिए नूडल, तुमने मेरे को विश करने का जो तरीका था उसका कुछ पार्ट तो तुमने लेफ्ट ही कर दिया। यानी मेरे तारीफ को लेकर या मेरे मेरी पर्सनालिटी को लेकर जो कुछ वर्ड्स तुम्हें अच्छे अच्छे यूज करने थे वो तो तुमने किए ही नहीं। नूडल, अब नूडल बेचारा बोलता है वापस से, नूडल गो ओवर द होल थिंग्स अगेन, वापस से उसको विश करता है नूडल, इट शैल बी डन। फिर नूडल बोलते हैं कि हो जाएगा श्रीमान सर इन ए सिंग सॉन्ग, और सिंगिंग वे में कहते हैं, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ द मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रीथ, व्हाट आर योर्स ऑर्डर। अब एक सांस में वो सारी की सारी उसके लिए तारीफें कर डालता है कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आप ही मार्स के रूलर हो और सबसे महान हो, लाइक वाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके ऑर्डर्स क्या है? अब थिंक टैंक बोलता है, दैट इज बेटर नूडल, अब तुमने अच्छे से विश किया, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद अवर मैन स्पेस प्रूफ टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट्स वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जनरस रूलरशिप, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन। अब वो कहता है कि ये बेटर होगा, मेरी इच्छा है कि जो स्पेस प्रूफ गया हुआ है हमारा, हमारे लोगों का, उससे मेरा कम्युनिकेशन कराओ जो उस रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट पर गया हुआ है और जिस पर कि हम अपना कब्जा करने वाले हैं, क्या हुआ वापस से बात करो। नूडल बोलता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, वो उसको अर्थ बोलते हैं, अर्थलिंग्स जो है उस जगह को अर्थ बोलते हैं। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ द कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। वो कहते हैं ओ अर्थ, वास्तव में कितना इनसिग्निफिकेंट प्लेस लगता है ना ये, पर पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूं मेरे मिरर से, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। नूडल, इट शैल बी डन सर, हो जाएगा श्रीमान। ही हैंड थिंक टैंक का मिरर, वो मिरर लाके दे देता है थिंक टैंक को। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैन एस्ट्रोटिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बींग इन द लैंड, ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर ए पॉज, यू सर। अब क्या होता है कि वो मिरर से क्वेश्चन पूछता है हाथ में लेकर कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड कौन है, यानी कौन सबसे बुद्धिमान है इस लैंड पर। तो ऑफ स्टेज वॉइस आती है यहां पर थोड़ा सा रुककर, श्रीमान आप, थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर, ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, आह हियर आई एम,
Are we Martians not a handsome race? So much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads. फिर वो गुस्सा करता है मिरर के ऊपर कि अगली बार जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछू ना तो जरा जल्दी आंसर देना, और मुझे स्लो मिरर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर वो अपनी प्रशंसा करने लगता है, तारीफ करता है अपनी, ओहो मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ, आर वी मार्शियन नॉट अ हैंडसम रेस, के खूबसूरत रेस नहीं है हम लोग मार्शियंस जो है। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अर्थ अगली अर्थलिंग्स, ये जो अगली अर्थलिंग्स हैं इनसे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, विद देयर टाइनी हेड्स, जो अपने छोटे छोटे सिर लिए घूमते हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन। तो नूडल को कहता है कि नूडल तुम्हें एक्सरसाइज करते रहो तुम अपने माइंड पर, और डेफिनेटली तुम्हारा बलून जैसा ब्रेन, मेरे जैसा बलून जैसा ब्रेन हो जाएगा। नूडल, ओ आई होप सो, माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। फिर नूडल कहता है कि हाँ श्रीमान मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रूफ, आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। अब मैं कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ स्पेस प्रूफ से, आई वॉन्ट टू, यहां पर आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। मैं लंच से पहले पहले उस प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड पर अटैक करना चाहता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थिंक टैंक जो है अपनी पूरी वेशभूषा में है, देखिए उसने एक रॉक पहना हुआ है, कपड़े जो है लूज गाउन है यहाँ पर, और उसके गाउन पर स्टार और सर्कल्स बने हुए हैं, यू कैन सी हियर। अब नूडल की स्पीच है, इट शेल बी डन सर, हो जाएगा सर, ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन ओपन। अब वो नूडल जो है वो अपने सारे के सारे अरेंजमेंट्स करता है जिससे कि उसका कम्युनिकेशन वो अर्थ पर गए हुए जो स्पेस प्रूव है उनसे करा सके। फिर टाइम जो है कुछ और सेकंड्स लेटर का है, प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द कंट्रोल पब्लिक लाइब्रेरी। ये जगह जो डिस्क्रिप्शन में आ रही है, एक तो मार्स स्पेस कंट्रोल है, दूसरी पब्लिक लाइब्रेरी, कैंटरवेल पब्लिक लाइब्रेरी है। पर्दा उठता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंडर्ड सेंटर, कैप्टन ओमेगा वहां पर सेंटर में खड़ी होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉअर इन ए कंफ्यूज फैशन। वहां जो कैटलॉग की जो ड्रॉअर होती है उसको बार बार निकाल रही होती है, खोल रही होती है, बंद कर रही होती है, बड़े ही कंफ्यूज तरीके से, वो कंप्लीटली कंफ्यूज है कि आखिर इसमें जो चीजें रखी हुई है वो क्या है। आयटा, लेफ्टिनेंट आयटा इज अप लेफ्ट, लेफ्टिनेंट आयटा जो है वो लेफ्ट साइड खड़ी है, काउंटिंग बुक्स इन ए बुककेस, बुककेस में जो बुक्स रखी हुई है उनको काउंट कर रही है। सर्जेंट ऑप इज एट राइट, राइट साइड में सर्जेंट ऑप है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफिलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हैंड। अब वो क्या कर रहे हैं, ऑप वहां खड़े हुए हैं राइट साइड में, बुक्स को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, पेजेस पलट रहे हैं इधर उधर, समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर वो क्या है। अब नूडल जो है यहाँ पर इतने में एडजस्ट कर लेता है उसको अपना सिस्टम। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, स्पेस क्रू की मैं बहुत ही क्लोज साइट देख सकता हूँ श्रीमान। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू वॉच। अब थिंक टैंक जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ अपने गूगल्स पहनता है, और गूगल्स पहनने के बाद वापस से स्टेज पर आता है, देखता हुआ दिखाई देता है। दिस सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है किसी अर्थ के स्ट्रक्चर, किसी तरह के अर्थ के स्ट्रक्चर के अंदर वो एंटर कर चुके हैं। थिंक टैंक मेक वॉइस कॉन्टेक्ट, थिंक टैंक ऑर्डर करता है कि देखिए वॉइस कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो। नूडल, स्पीकिंग इन टू ए माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रूव वन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रूव वन, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। अब नूडल उनसे बात करने की कोशिश करता है, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, और उससे कैप्टन ओमेगा से पूछता है कि आप लोग अपनी लोकेशन हमें भेजें, बताएं। अब कैप्टन ओमेगा स्पीकिंग इन टू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। अब वो वहां पर जो उसकी चेन में डिस्क बंधी हुई है उसकी तरफ उससे बोलने की कोशिश करती है, वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करती है अपना। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयटा सर्जेंट ऑफ एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। हम बिना किसी प्रॉब्लम के यहां पर पहुंच गए हैं सारे, आयटा सर्जेंट ऑफ एंड आई, वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट रूम दिस स्क्वायर प्लेस, इस स्क्वायर प्लेस में हम यहाँ शेल्टर ले चुके हैं। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयटा, आपको कुछ आइडिया है क्या हम कहां पर हैं लेफ्टिनेंट आयटा।
Students, today's part I'm completing here. Next part I will explain you in my next video lecture. Till then, bye-bye.